सजय सिंधु बदनु देव वासानि तमसा राशि नायकम धूर्म केतु भाज चंद्रो गजानन सोलाधारम व्यासम वशिष्ठ अवतारम शक्ति विष्णु विष्णु वैष्णव शंभो भगवानम बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण मुक्ति नारायण ओम गजानंद भुज गयो चलवाचनम उमा सुतो विनाशकारकम नमामि विदेहात्म ओम चितानंद क्यों हो गया ए भैया भैया तेज बजा सकते हैं या हल्के तक लगा लें ताकि अन्य वाहनों को आने जाने में असुविधा उत्पन्न हो सके। इसलिए आप तमाम से आग्रह है कि आप यथास्थान पिकनिक के साइड में लगाने का अर्थ करें। माइक छोड़ा जी, माइक छोड़ा।
राधे राधे बोल भाई राधे 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 हमर काम हला क्लिनिक देखे लाल जे छोड़ दियो पीछे का हां का दांत में काम है हां हां मिल ला हां राम मिल ला हमारे गाँव के लड़का है सब साल खोल के चाबी रख के चल हम जाए गांव में चौक में ना रिकॉर्डिंग करते हैं तो लगातार आप Yeah.
हेलो हेलो जी जी ओम स्वाहा सुनता है ओम स्वास्ते हेलो आप सभी बाइकर्स से आग्रह है कि आप लोग जो है साइड में बाढ़ लगाएं ताकि आपका जो सुधार ना हो। आप सभी बाइकर्स से आग्रह है कि साइड में बाढ़ लगाएं ताकि आपका जो सुधार ना हो। पूजा प्रारंभ हो चुका है, सभी से आग्रह है कि आए और पूजा प्रारंभ करें। कृष्ण पक्ष आज का जो तिथि है तो वह मंगलवासरे मंगलवासर अमुक तीर्थ मंगलवासरे अपना गोत्र आपका गोत्र यजमान है कस्प गोत्र से कस्प गोत्र है अपना अपना नाम जगह अध्यय कस्प गोत्र से अध्यय गो राधा राधा कृष्ण गोवर्धनम श्री बजरंगबली गणेश आदि देवानाम अद्य गोवर्धनम कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष प्रथयाम तिथौ अद्य सर्वदेवानाम अद्य गोवर्धनम पूजनम तदर्थे सर्वेशानायाम शांति पूर्वकायाम आगे बोल रहे हैं ध्यान से खड़ी हो जाए बच्चे खड़ी हो जाए ओम वासा तमाये पाठकाये नमः जापकाये नमः ओम कर्षता विधि विधान में कोई कमी नहीं सरकार यही मेन चीज है जब हाई है तो और
Yeah.
बिजली गाय और हजार गोवर्धन पूजा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। उधर कृष्ण भक्ति का पर्व है, कृष्ण भगवान ने गौ गोवर्धन के लड्डू लाइए, वहाँ पर देखिए लड्डू होगा, नहीं तो माखन मिश्री लाइए और केला लाकर एक लाइन समस्या है समझ पे आमी ही स्पष्ट नहीं कर सकते स्वाहा स्वाहा स्कोर दे दीजिए पूरा बचा करो जो आएंगे और बहुत लोग जीते जाएंगे जो आएंगे Yeah.
साथ ही उन्होंने बाल लीलाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी प्रदान की, सभी को एकजुट रहकर किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस दिया। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आयोजन जो आप देख रहे हैं मसौढ़ी के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में, इस आयोजन का कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ, तमाम लोग जो हैं अभी इसका गठन नहीं हुआ है, सब लोग बराबर हैं, सभी पदों में सबकी बराबरी की हिस्सेदारी है, सब लोग बराबर माने जाते हैं और एक बड़ा रूप धारण कर चुका है ये गोवर्धन पूजा। जोड़ा तालियों से स्वागत कीजिए, जोड़ा तालियां डॉक्टर विमल प्रसाद, डायरेक्टर विमल हॉस्पिटल पटना, मसौढ़ी नगर परिषद की मुख्य पार्षद पिंकी देवी जी, उप मुख्य पार्षद चंद्रकांत जी और हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक राज जी, संयुक्त रूप से श्री श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव 2023 का विधिवत उद्घाटन करते हुए दीप प्रज्वलित कर जोरदार तालियों से स्वागत किया। जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए मित्रों। प्रेम कुमार जी धनरुआ प्रखंड के उप प्रमुख, जोरदार तालियां। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मैं अब चाहूंगा कि हम और हमारे तमाम अतिथि अब स्थान ग्रहण करें। तो वार्षिक विधायक है इस क्षेत्र के और जिस मंच से ये आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ये मंच का निर्माण भी इन्होंने किया, इनका स्वागत है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें माननीय विधायक रेखा देवी जी का। अब हमारे माननीय अतिथियों का एक प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम को उद्घाटन करता आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना, वो प्रतीक चिन्ह देंगे हमारे इस कार्यक्रम के, इस आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर एम के मंगल जी, वरीय दंत चिकित्सक भी हैं। उद्घाटन करता नहीं चुकी, इसके बाद बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। वृंदावन से पधारे रासलीला के कलाकार लोग आए हुए हैं और यहाँ आपको कृष्ण के जीवन पर आधारित, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लीलाएं रासलीला कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सनोज जी जो इस आयोजन के आप कह सकते हैं कि रीढ़ कोषाध्यक्ष हैं ये और शिक्षक भी हैं, वक्त निकालकर समय निकालकर ये पूरा आयोजन आप देख रहे हैं, इनकी मेहनत का नतीजा है। सनोज कुमार जी गमछी प्रदान कर सर, इधर सर इधर। और इसके बाद माननीय विधायक मसौढ़ी रेखा देवी जी को यहां सम्मान देंगे। अशोक कुमार प्रधान शिक्षक जो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, भाई अशोक जी के लिए। रविंद्र कुमार उर्फ बारू जी, आप अगर हो तो कृपया मंच पे आ जाइए। रविंद्र कुमार उर्फ बाड़ो जी अतिथि स्वागत प्रभारी। अब हमारे मसौढ़ी नगर परिषद की, नगर परिषद मसौढ़ी की मुख्य पार्षद सब्बू जी भी हैं, हमारे और भी साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई वार्ड पार्षद भी यहाँ मौजूद, अंटू सिंह
और वो इस आयोजन समिति के छोटे जी ही कहते हैं इनको, इनका यहाँ सम्मान करते हुए तालियां बजाइए भाई आप लोग। उपेंद्र जी जो हमारे इस आयोजन समिति के अतिथि स्वागत प्रभारी हैं, उपेंद्र जी आप सम्मान प्रदान करेंगे धनरुआ प्रखंड के उप प्रमुख प्रेम कुमार जी को, तालियां बजाइए भाई। युवा हैं प्रेम कुमार जी, नाम भी प्रेम है और प्रेम से रहते भी हैं, प्रेम बांटते भी हैं। धनरुआ प्रखंड के उप प्रमुख प्रेम कुमार को यहां सम्मान प्रदान करते हुए उपेंद्र जी, देखिए कैसे इधर यहाँ पे सर, यहाँ पे यहाँ पे सर उनकी माता जी भी साथ में है। मैं चाहूंगा भी रंग जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। गोवर्धन समाज की बेटी, गोवर्धन परिवार की बेटी हमने इंटर किया और फिर इसके बाद उसे उसकी मां अपने साथ पटना ले गई, वहां अपनी देखरेख में कॉलेज में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कराया। इसके बाद ही उसने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अनुराय के पिता बेरोजगार थे, इस कारण पढ़ाई का खर्च उठाने में हमारा सलाम है, बहुत बहुत बधाई है इस परिवार को। जोरदार तालियां, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अनुराय जिसने विषम परिस्थितियों में अपनी मां की प्रेरणा से वह आज यहां पहुंची है, आज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर ये चयनित हुई हैं, बीपीएससी में जो सफलता पाई है, तो इन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय विधायक गोपाल रविदास जी, रेखा देवी जी हमारे अतिथि उद्घाटनकर्ता। अच्छा, उनके पिताजी भी हैं, उनके पिताजी को भी यहाँ विधायक जी जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और गीता माँ को गीता माँ ही कहता हूं कि गीता माँ ने अपनी बेटी के लिए जो संघर्ष किया वो अतुलनीय है। मैं अब चाहूँ यहाँ स्टेज पे उपस्थित सभी सभी चीफ गेस्ट जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे अभी सम्मानित किया है, इसका काफ़ी शुक्रिया करना चाहूँगी। संघर्ष लंबा रहा है लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, अभी काम बाकी रहेगा, क्योंकि हम जिस परिस्थिति से बिलोंग करते थे, जिस समाज से बिलोंग करते थे, आप सब में से ही, आप सब जो बैठे उसी समाज से हूँ मैं, और बचपन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। अभी बताया होगा कि मेरे पिताजी बेरोजगार थे तो आर्थिक स्थिति भी उतनी सही नहीं थी, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके समाज में एक बदलाव को आमंत्रित करती है। मेरे इस सफलता के पीछे मैं दो लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक जो मेरे दादाजी अभी यहाँ पे नहीं है, उनका देहांत हो गया है, अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते। सिद्धेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद यादव जी, उन्होंने बचपन से मुझे एक चीज़ कही थी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। और सुबह एक चीज़ उन्होंने मुझे जो एग्ज़ाम में भी मुझे काफ़ी हेल्प की, सुबह उठना, सुबह 4 बजे उठ के मुझे उठाया करते थे, बोलते थे कि पढ़ो या मत पढ़ो बट सुबह उठो। सुबह उठने की वही सीख मुझे आज इस सफलता की मंजिल तक लेके आई है। दूसरा जो मेरी माँ है, जो बहुत मतलब न जाने कैसे कैसे पढ़ में उसके बावजूद भी समर्थन देती रही, हर बेटे के लिए उसकी माँ बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करना ना छोड़े। और मैं और इस परीक्षा के लिए, ये जो परीक्षा है बहुत ही संयम की परीक्षा है, बहुत
समय लगता है इसमें और प्रयास लगातार करना चाहिए। पढ़ाई जो होती है ना, अगर आप थोड़े दिन छोड़ देंगे तो वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। लगातार कंटिन्यू रहें, मेहनत करें। और जितनी भी लड़कियां हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, वो अगर सोचे कि अगर हम ठान लेंगे कि कुछ भी करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे जरूरी नहीं है बीपीएससी, किसी भी फील्ड में, अपने करियर की किसी भी फील्ड में वो जाना चाहें, तो मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप भी इस मंच तक पहुँचेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ, मैंने ये सबसे अचीव किया। धन्यवाद सभी को, सभी को थैंक यू। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपने अनु राय के लिए। अनु राय, आप नगर के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर चयनित है और इसके भीतर कई योजनाएं पल रही है। आधुनिक युग में जो टेक्निकल जो चीज होता है, कई मशीन आ गए हैं। जोरदार तालियां गीता माँ के लिए। गीता माँ हर हर घर में उस बेटी को आशीर्वाद स्वरूप वो प्रेरणा दें। मैं जब गीता जी को सुना तो मैं समझ गया कि ये एक तो ये महिला एजुकेटेड हैं, साथ ही साथ ये कई को प्रेरित कर सकती हैं, कई को प्रेरणा दे सकती हैं। तो इनसे इनके मैं व्यक्तिगत रूप से मैं दरखास्त करूंगा कि आसपास हेलो श्री श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव, गोवर्धन पूजा समिति मसौढ़ी द्वारा ये देखिए बहुत ही सुंदर आकर्षक स्मारिका का यहाँ विमोचन करते हुए हमारे तमाम अतिथि आपके बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, इस स्मारिका का आप तक भी पहुँचेगा। और ये शुरुआत है, स्मारिका में बहुत कुछ और डालना बाकी है। आप जैसे जैसे सुझाव आएंगे वैसे वैसे स्मारिका में और स्थान दिया जाएगा अन्य लेखन के लिए। इस आयोजन से संबंधित विचारों को लेकर, भगवान कृष्ण की कुछ अद्भुत कहानियों को लेकर, तो ये विमोचन यहाँ करते हुए हमारे तमाम अतिथि आपके बीच। जोरदार तालियां एक बार पुनः आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मित्रों, एक खास बात ये भी बता, अगर सदस्य नहीं है या उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके कोई परिवार के सदस्य हैं, वो अगर हो यहाँ पे तो जो आ जाइएगा। अलख यादव जी ये प्रोप्राइटर हैं JRK ईट उद्योग इस्लामपुर के, ये भी इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। संतू कुमार यादव जी प्रदेश महासचिव हैं राजद के, और ये महुआ बिघा के रहने वाले संतू कुमार यादव जी, अगर आप मौजूद हो तो मंच पे आ जाएं। कपिल देव प्रसाद जी शिक्षक हैं उच्च विद्यालय कोसूर। अमिताभ कुमार धनरुआ थाना में स्टाफ हैं, ये दरियापुर साई के रहने वाले। सुरेंद्र कुमार जी जो सचिव हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन पटना, अगर आप मौजूद हो तो कृपया मंच पे आ जाएं। रेखा देवी जी जिला परिषद सदस्य हैं धनरुआ भाग 23 के। इधर सुरेंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, सचिव हैं अखिल भारतीय, आ जाइए। जो सदस्य सदस्यता ग्रहण किए हैं वो आ जाएंगे, उनका नाम बारी बारी से हम लोग ले रहे हैं। कपिलदेव प्रसाद जी भी यहाँ मौजूद हैं, कपिलदेव सर आ गए हैं। तो हम अपने सदस्यों के हौसला अफजाई के लिए आप लोगों से चाहेंगे कि तालियां बजाते रहिएगा बीच बीच में। सुरेंद्र कुमार जी जो सचिव हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के, गुड्डू कुमार जी मुखिया हैं धनरुआ के बहरामपुर पंचायत के, इन्होंने भी सदस्यता ग्रहण किया है।
वो अगर मंच पे यहाँ होंगे तो मंच पे आ जाएं। डॉक्टर अजय कुमार जी, कई वरीय चिकित्सक भी सदस्यता ग्रहण किया है और डॉक्टर अजय कुमार जी उन्हीं में से हैं, वरीय चिकित्सक हैं, जनता होम्यो फार्मा फार्मेसी है जो, वो भी सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो वो अगर होंगे यहाँ तो आ जाएंगे। वीरेंद्र कुमार उर्फ गिरी यादव नगर अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पे सम्मान ले रहे हैं। बहुत इतनी संख्या है कि सब लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। संजीवन कुमार और भोला जी पूर्व पैक्स अध्यक्ष छाती पंचायत धनरुआ। दिलीप कुमार प्रोप्राइटर हैं अनंजय सीमेंट स्टोर मसौड़ी। पप्पू कुमार प्रोप्राइटर है निक्की स्पेयर हाउस बर्नी रोड। हेलो हेलो जो भी सदस्य अस्थाई सदस्य हैं जिन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है, मैं अपने आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष संजय जी से, नागेंद्र जी से मैं चाहूंगा कि जो अस्थाई सदस्य हैं वो कृपया मंच के बाएं तरफ जो गैलरी बना हुआ है वो वहां पर बिठाएं उनको लाकर, और वो उसके बाद मंच पर आएंगे। कौशल सिंह जी मुखिया प्रतिनिधि 12 पंचायत। कौशल सिंह जी मुखिया पंचायत प्रतिनिधि हैं 12 पंचायत के। जितेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक हैं और ये बर्नी रोड में रहते हैं जितेंद्र यादव जी, अगर आप हो तो कृपया मंच पे आ जाएं। अवधेश प्रसाद व्यवसायी हैं ये और इन्हें सब कोई जानते हैं बर्नी रोड में। ललन कुमार जी जो सामाजिक कार्यकर्ता, ललन कुमार जी चनाकी के रहने वाले ललन जी। ओम प्रकाश यादव जी कोल्हाचक। डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद मलिकाना, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद मलिकाना। राम विनोद कुमार, अभी राम विनोद कुमार जी पर नजर पड़ी थी मेरी, वो यहाँ मौजूद थे, आ जाएं। गंगाचक मलिकाना राम विनोद कुमार। मैं अपने अतिथियों से चाहूंगा कि ये राम विनोद जी सामाजिक कार्यों में हमेशा अपनी भागीदारी निभाते हैं, गंगा चक मलकाना के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, वो यहाँ पर हैं। कौशल सिंह जी आइए, राम विनोद जी अरुण कुमार बड़ा बाबू से प्रसिद्ध हैं, अरुण जी पोस्ट मास्टर हैं और श्री चरण मार्ग मसौढ़ी के रहने वाले। राम विनोद जी को यहाँ सम्मानित करती हुई मुख्य पार्षद पिंकी देवी जी। डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद प्रोफेसर हैं पीएलपी कॉलेज मसौढ़ी, हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जी हैं यहाँ, आइए डॉक्टर साहब यहाँ हैं। बालेश्वर यादव जी
पूर्व पंचायत सचिव भलुआ के रहने वाले हैं, भलुआ नदमा। बालेश्वर यादव जी जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है अस्थाई सदस्य के रूप में, आइए। रविंदर सिंह जी, रविंद्र सिंह जी जो सेवानिवृत्त दूर संचार कर्मी हैं, खरोच के रहने वाले, हम सबके गार्जियन भी रविंद्र बाबू यहाँ मौजूद हैं, वो मंच पर कृपया पधारें। और इन्होंने भी श्री श्री गोवर्धन पूजा समिति की अस्थाई सदस्यता ग्रहण की है। राकेश कुमार, जब ये पिता जगदीश प्रसाद भलुआ के ही रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार जी, अगर आप हो तो कृपया मंच पे आ जाएं। राकेश जी, बालेश्वर यादव जी को यहां सम्मान देते हुए, रविंदर जी, हेलो, श्री पल्लव प्रसाद जी जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, शिवचक के रहने वाले, पोस्ट फतुआ पटना, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आप मंच पे आ जाएं। श्री पल्लव प्रसाद जी जिन्होंने इस समिति की अस्थाई सदस्यता ग्रहण की है, वो कृपया मंच पे आए। श्याम जी लेके आइए उन्हें। विकास यादव जी प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी के, और ये भलुआ के रहने वाले हैं, ऐसे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी बड़ी भूमिका होती है मसौढ़ी नगर के। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भलुआ नदमा के निवासी हैं, सब लोग मसौढ़ी के ही जानते हैं इन्हें। और आज इनकी पत्नी, आप कह सकते हैं नगर परिषद के वार्ड पार्षद के रूप में हैं, विकास यादव, श्री पल्लव प्रसाद जी, राकेश कुमार जी, कृपया मंच पे आ जाइए। रूबी देवी वार्ड पार्षद जिनकी अभी चर्चा हम कर रहे थे, विकास यादव की पत्नी हैं और ये वार्ड संख्या 28 से वार्ड पार्षद हैं मसौढ़ी नगर परिषद की, रूबी देवी। बल्लभ जी आ जाइए, विकास जी, रूबी देवी जी, मनोज मुखिया, मनोज मुखिया देवरिया पंचायत के मुखिया रहे हैं और काफी सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यों में बड़ी भूमिका, और इस आयोजन में जितनी देर से वो यहाँ हैं, मुझे लगता है कि इतने लोग हैं, धन्नी यादव जी और मनोज मुखिया जी को मैं शुरुआती दौर से देख रहा हूँ, सबसे पहले आने वाले अतिथियों में, उनका स्वागत है। मनोज मुखिया, मनोज कुमार शिक्षक, ग्राम मंझौली के रहने वाले, मनोज जी यहां मौजूद हैं, स्वागत है आपका।
मनोज कुमार जी, चंदन कुमार अकेला जो चेयरमैन है टीम डॉल्फिन के, ये ग्राम बिदौली के रहने वाले हैं, चर्चित चेहरा, युवा चेहरा, अशोक कुमार, अमृत मेडिकल हॉल मसौढ़ी, रामपुर बारा पाली जहानाबाद, राधे श्याम कुमार जी, राधे श्याम मेडिकल हॉल है जो जानते हैं आप, और ये रामपुर बारा पाली जहानाबाद के रहने वाले हैं, दोनों भाई साहब हैं, नागमणि कुमार प्रॉपर्टी डीलर रघुनाथ चक दौलतपुर भगवान हेलो इधर आवाज नहीं आ रहा। हाँ